तिहाड़ सेंट्रल जेल से तीन खतरनाक मुजरिम बलवंत और उनके तीन साथी भूषण बग्गू और चंदू दुबे फरार हो गए हैं। ये मुजरिम बैंक की डकैती और कई हत्याओं की सजा काट रहे हैं। जनता से अनुरोध है कि इन मुजरिमों के बारे में कोई भी सूचना मिलते ही पुलिस को सूचित करे। उनके विवरण इस प्रकार है। तुम इतने क्यों घबराए हो? ये चारों वही मुजरिम है जो हमारा बैंक में डाका डाला था और हमारा ही गवाही की वजह से इनको सजा हुआ था। ओह गॉड। और बलवंत ने सजा होने के बाद अदालत में ये बोला था कि वो हमारे खानदान को खत्म कर देगा। नहीं। अब उनको डर लग रहा मेरी। तुम जॉनी को लेकर जल्दी चला जाओ। नहीं, हम तुम्हारे बगैर नहीं जा सकता। तुम भी हमारे साथ चलो जेकब प्लीज। हम भी चलता। इतनी जल्दी भी क्या है बैंक मैनेजर साहब? कसम ईमानदारी की, जैसे शेर की आंखों में देख कर उसका शिकार अपनी जगह से हिल नहीं सकता, वैसे ही मेरे दुश्मन मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकता। इन आंखों में बदले की आग तुमने लगाई है जो सिर्फ तुम्हारे खून से बुझेगी, वरना यह जुर्म की दुनिया की तौहीन होगी कि बलवंत ने अपनी कसम पूरी नहीं की तुम्हारे खानदान को तबाह करने का। कभी नहीं। अगर तुमने हमारा बीवी बच्चों पर नजर रखा तो हम तुमको जान से मार डालेंगे। इस बालक के साथ क्या किया जाए? कपाल क्रिया दयालु। नहीं प्लीज, इनको छोड़ दीजिए। माफ कीजिएगा, मैं तो भूल ही गया था, पत्नी अपने पति को मरते हुए नहीं देख सकती। भगो। नहीं, छोड़ हम जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। ये लो पिस्तौल, चलाओ अपने पति को। हम अपने पति का खून कैसे कर सकते हैं? मम्मी, पापा। जल्दी करो वरना तुम्हारा बेटा नीचे गिर जाएगा। मम्मी, 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 पापा, मम्मी, पापा। पहला चंबर खाली था, दूसरा भागो, फेंक दो बच्चे को। चलो दयालु, इस अबले नारी का क्या होगा? पिस्तौल पर सिर्फ इसकी उंगलियों के निशान है, कानून खुद से मौत दे देगी। चलो। बहुत प्यार करते हैं। पापा उठो ना, पापा उठो ना। ओ, ओ, ओ पहले पप्पी दो बेटे। शाबाश। हमारा पेपर ले आए बेटे। ये लीजिए आपका पेपर। थैंक यू। भाई वो चश्मा कहाँ है? ये है आपका चश्मा। ले 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 ले, वेरी गुड। आ बेटे, शाबाश। बेटे आपने हमको अखबार तो लाकर दे दिया, सुनिए अब हमें चाय पिलवाएंगे ना आप? जी पापा जी। जल्दी जाओ, बड़े अच्छे बच्चे हो। चाय पिलवाओ पापा हमें। को चाय। पत्नी द्वारा गोली मारकर पति की हत्या,
मेरी नाम की एक औरत ने कल रात अपने पति जैकब को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और अपने 5 साल के बच्चे को 3री मंजिल से नीचे फेंक दिया। पुलिस को शक है कि इस कत्ल के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। मेरी मैरी मैरी जैकब। ओफो, मैं सोचती हूँ कि अगर आपका बस चले तो आप नींद में भी मुकदमे लड़ने लगे। मैदान जंग में जाने से पहले कोई सिपाही भी इतनी तैयारी नहीं करता जितनी आप अदालत में जाने से पहले करते हैं। गीता, कल रात मेरे साथ एक अजब हादसा हुआ। क्या हुआ? गीता, ये खत कल रात जब मैं वापस लौट रहा था घर पे तो कैसा उड़ता हुआ मेरे ऊपर आ गिरा। मैंने इसे पढ़ा, उस वक्त मेरे समझ में कुछ नहीं आया, मगर आज का ये अखबार जिसमें मेरी नाम की एक औरत पे लगे खून का इल्जाम है, इसे पढ़कर सारा केस मेरे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? यही कि ये औरत बेकसूर है और आप उसे फांसी के फंदे से बचा कर रहेंगे। गीता, सच्चाई के लिए तो मैं शैतान का केस भी लड़ जाऊंगा, फिर ये औरत तो बेकसूर है, बेचारी मजबूर है, और ऐसी मजबूर जिसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं, और वो सबूत मेरे पास है। वकील साहब, ईमानदारी की कसम, इस वक्त आपकी जुबान पर वो खूनी रिवॉल्वर है जो हमारे साथ गद्दारी करने वालों का खून पानी की तरह बहता चला रहा है, और ये आपकी जुबान पर आज इसलिए है ताकि मुकदमे में आप सवालबाजी के निशाने में मात ना खा जाए और मैरी को कानून की तरफ से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं मैं लॉर्ड, नहीं, हमने ये खून नहीं किया, हमको फांसी दे दो पर हम पर ये इल्जाम मत लगा, हमने खून नहीं किया, हम खूनी नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। जेल से भागे हुए कैदियों का सहारा लेकर अपने आप को सजा से बचाने की कोशिश कर रही है मिलॉर्ड। वे कैदी इनके घर में क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे, और इनके हाथों इनके पति का खून जबरदस्ती क्यों करवाएंगे? और फिर मिलॉर्ड, क्या सबूत है इनके पास इन बातों का? सबूत मेरे पास है मिलॉर्ड। मिस्टर वर्मा, मिलॉर्ड, और वो सबूत मैरी के पति जैकब की मौत से वास्ता नहीं रखता, बल्कि यह भी साबित करता है कि मैरी बेगुनाह है। मिलॉर्ड, खून उन्होंने किया है जो जेल से फरार हुए हैं। क्या बकवास कर रहे हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अगर कोई सबूत है तो इसे अभी अदालत के सामने पेश करो। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त शायद ये नहीं जानते कि केस की पैरवी करने से पहले केस के कागजात तैयार करवाए जाते हैं। मिलॉर्ड, मैं आपसे कल तक इजाजत चाहता हूं ताकि मैं केस के पेपर्स तैयार करवा सकूं। ठीक है, अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। मिसेस जैकब, देखिए बिल्कुल मत घबराइए, आप बेगुनाह हैं यह मैं साबित करूंगा। लेकिन कैसे, हर सबूत मेरे खिलाफ है। बहन, आपके पति ने मरने से पहले आपकी बेगुनाही का सबूत छोड़ा था, उन्होंने खत लिखा था और वो खत मेरे पास है। क्या मतलब? ईमानदारी की कसम, जैकब ने हमारे सामने दम तोड़ा था और मुर्दे कभी खत नहीं लिखा करते। मगर चेके वर्मा कल अदालत में खत पेश कर रहा है, और अगर कहीं उसने अदालत में खत पेश कर दिया। नो! दुनिया में ऐसा कोई खत है ही नहीं जो जैकब ने अपने हाथों से लिखा हो। अगर उसकी आत्मा कोई खत लिख गई है तो हम उस वकील की आत्मा को इतना बेचैन कर देंगे कि वो अदालत में खत पढ़कर सुनाना तो क्या, कानून की किताबें उठाना भूल जाएगा। आप एडवोकेट वर्मा हैं? जी हां। आपके लिए पैगाम। क्या मतलब है तुम्हारा? इसके पीछे सब कुछ लिखा हुआ है। एडवोकेट वर्मा, अगर तुम अपनी बीवी और बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो जैकब का लिखा हुआ वो खत जो मैरी की बेगुनाही का सबूत है मेरे आदमी के हवाले कर दो। याद रखना, जब तक मैरी को सजा ना हो जाए
तुम अपनी जुबान बंद रखोगे। मेरे के बेगुनाही का सबूत आप मुझे दे दीजिए। मिस्टर वर्मा, आप रात का टाइम है, इतनी मार मारूंगा कि एम्बुलेंस भी नहीं आ पाएगा। चल माल निकाल। अबे चार साले तेरी तो टपोरी डायलॉग नहीं, आजकल पब्लिक के पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? हाँ चल माल निकाल। नहीं देगा। नहीं देगा मतलब फाइट, मारा मारी से भरपूर। चल माल निकाल। जॉनी मैंने सब माल उड़ा दिया। देख टकलो, जॉनी माल वसूली करने कहीं जाता नहीं और जब जाता है वसूली किए बिना आता नहीं। चल निकाल। जॉनी मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? नहीं। दांत दिखा। पूरे 24 कैरेट सोना लगता है। क्या करूंगा, उसे बेचकर मेरे भाई का पैसा वसूल करूंगा। माता जी मैं रोज नकली घी को दियो जला के थारी पूजा करूं, कोई अच्छो ग्राहक भेज दे तो असली घी को दियो जला के मैं थारी पूजा करूं, तारो भलो हो जावे, मारो कल्याण हो जावे। माता जी जॉनी आयो आयो। हाँ जल्दी से अपने शोकेस में ये दांत लगा ले। हाँ। और मुझे 202 रुपये 12 आने निकाल के दे दे। सिर्फ 202 रुपये 12 आने? अरे भैया ये असली सोने के हैं कि लोहे के हैं? नहीं नहीं मेरा मतलब है, पता है आजकल मार्केट में सोने को भाव के चले हैं। मालूम है असली मुंह के ओरिजिनल फैक्ट्री से उखाड़ कर लाया हूं। धंधा करने नहीं वसूली करने। चल जल्दी से पैसा निकाल और बाकी का तू कमा ले। समझ गए हो, समझ गए हो। अरे भैया आज तो तूने जॉनी दुकान खोलते ही मेरी तकदीर का फाटक खोल दिया। ये ले 202 रुपये 12 आने। चलो भाई। अरे जॉनी फिर कब दूसरे का दांत तोड़ कर लाएगा? जब भी कोई अपुन के भाई का जेब काटेगा अपुन इधर आ जाएगा। सलाम सेठ। ऊपर वाले थारो भी जवाब नहीं, कोई मोटा सेठ बोले है, कोई छोटा सेठ बोले है, कोई बोले है सलाम सेठ। तेरी ममता की आशा में जिंदा हूँ माँ मेरी, मेरी माँ से मुझे मिला दे, क्यों करती है देरी।
तेरी ममता की आशा में जिंदा हूँ माँ मेरी, मेरी माँ से मुझे मिला दे करती है देरी, आएगी कभी तो आएगी कभी तो वो खुशी की शाम से सलाम। अरे इंस्पेक्टर अंकल, ये कोई तरीका है ना? आपने कोई लफड़ा किया, ना कोई राड़ा किया, ना कोई आड़ा तेरा काम। ये तो ऐसे उठा के लाया जैसे कोई मिसा में अंदर करता है। हाँ मैं 3-5 करता रहता हूँ, लेकिन साथ साथ शाणे लोगों का 9-11 भी तो करता हूँ। लेकिन अंकल मैं जो कुछ भी करता हूँ कानून के अंदर रह के करता हूँ, लेकिन इन लोगों ने अक्खी पब्लिक के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया। बहुत बोलते हो, और एक बार बोलना शुरू करते हो तो छुप होने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा अच्छा अंकल, जॉनी तो बोलने का ही खाता है, तुम तो जानते हैं ना, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। बहुत दिनों से तुम्हारी बकबक नहीं सुनी ना। अरे अंकल आजकल बोलने का चांस ही नहीं मिलता, ना कोई खबर ना इन्फॉर्मेशन, लगता है हिंदुस्तान से 2 नंबर का धंधा उड़ ही गया। अच्छा अंकल एक बात बताओ, कहीं आपका डिपार्टमेंट कड़क तो नहीं हो गया? इतने दिनों से कहाँ था तू, कोई लफड़े का नया धंधा तो नहीं शुरू कर दिया? ए अंकल काय को इतनी बड़ी गाली देता है, अपन को तुम बचपन से जानता है, क्या आज तक अपन ने कोई काम किया जिससे इंस्पेक्टर अंकल का नाम खराब हो गया? कभी नहीं, ना अपन करेगा भी। लेकिन अंकल क्या है आजकल इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक नहीं मिल रहे, ले छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन देने से जॉनी का स्टैंडर्ड गिर जाता है। हाँ जॉनी अगर कुछ करेगा तो बड़ा करेगा, मच्छी मच्छी नहीं पकड़ेगा, सीधा जाकर मगरमच्छ। अंकल एक बात बताऊं, आजकल दुनिया एकदम चेंज हो गई ले क्या? आजकल लड़की लोग भी आड़ी झाड़ी कर रहे ले। हाँ अरे आड़ी झाड़ी तो छोड़ो, चक्री घुमा रहे ले क्या? नहीं लगा, माल निकाल, 5 का 15 माल निकाल, माल निकाल, माल निकाल, माल निकाल, माल लगाओ, माल लगाओ, माल लगाओ, 5 का 15 माल लगाओ। चले इन पत्तों के ऊपर तुम सबका तकदीर खोलता है, अब उनका भी खोल डाल। क्या तकदीर? ए दाऊद भंकस नहीं मांगता। हाँ धंधे का टाइम है, माल लगाने का है तो लगा, लाइन मत लगा, क्या समझा? चल फूट फूट यहाँ से, चल चल खलास खलास खलास, अब उनका भी लगा दे क्या? नहुआ ना, बाद में पलटी नहीं खाने का। अरे दुनिया का तख्ता पलटी खा सकता है पर दाऊद का जबान नहीं, चल घुमा। होशियारी नहीं, तुम नौवा लगाए यहाँ छक्का है, समझो छक्के? तेरे को आज बताना ही पड़ेगा कि अपन छक्का नहीं राजा है, राजा और तू अपन की रानी है। अट्टा सावन की घटा खा खुजा बत्ती बुझा के सोजा, क्या अपन का नाम तेरे को मालूम है? इकबाल अली। और इकबाल अली का एक खासियत है बाप, इकबाल ने जब भी कंट्री के अड्डे पे एंट्री मारा वो भी ऐसा उल्टा लटक के ना सामने वाले को ना लटका दिया ला, क्या एक मिनट आ रहे लाए आ रहे लाए आ रहा आ आ सलाम अलैकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। अगला 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 आधा वर्जा दाऊद। दाऊद ये अपन की भाई की महबूबा है, ये नहीं कि अपनी भाभी। उतर जा उतर जा उतर जा उतर जा बस। हाँ मेरा मतलब है कि जॉनी के दिल की रानी, और रानी तो राजा राजा की होती है, राजा की होती है। किसी भी इक्का दुर्री तिर्री चोरी पंजिया आई छक्के की नहीं झपड़ी के। बहुत बोलता है सारा, मैं छक्का नहीं राजा हूँ राजा, क्या Ah!
डरना मत भाई, मैं आ गया हूँ। चाचा को दिया वादे के कसम, तेरे एक एक कतरे खून का वसूली जोनिया सूद के साथ वसूल करेगा। तू आज गया दाऊद, आज तू गया। तूने जिसको मारा वो जॉनी का भाई है। तूने जिस पर हाथ उठाया वो जॉनी के जिगर का टुकड़ा है। तूने जिसको मारा वो जॉनी की जिंदगी है। एक हजार रुपया बांद्रा देसी दारू। 2000 रुपया चिंच पोकली बियर बार। 1000 ग्रांड रोड कोटे वाले जल्दी आओ। 1000 गोरे गांव गोग विद्वानों, 3 हफ्ते हो गए गोरे गांव से न गोगाया न उसका हफ्ता, आखिर वो गया कहाँ? वो जेल में था, उसकी जमानत करा के आ रहा हूँ। ओहो, इसका मतलब कि वो हफ्ता वसूल करने गया होगा। हफ्ता नहीं, मेरे पास नहीं। अरे हरामजादा, इंसान जहर खाकर तो बच सकता है, है? पर गोगा दादा का हफ्ता खाकर नहीं बच सकता। हफ्ता मेरे पे रहम कर, मेरे पास पैसे नहीं है, रहम कर। अल्लाह छोड़ दे। तो नहीं है तेरे पास पैसे? नहीं। तो ये क्या तूने अपने कपल के लिए रख छोड़े हैं? मैंने इसे बड़ी मुश्किल से जमा किया है, मेरी लड़की की शादी रुक जाएगी। अरे तेरी बेटी के लिए गोगा जो है, गोगा अल्लाह के लिए मुझ पे रहम कर। अरे गोगा रहम नहीं खाता, हफ्ता खाता है, हफ्ता। अबे ओ जानवर की औलाद, इससे पहले कि मैं भी इंसानियत भूलकर वैशीपन पर उतर आऊं, बाबा के पैसे लौटा दे। तो तू इसकी तरफदारी में हमसे लड़ने आया है, है? तू तो क्या, सच्चाई के लिए तो मैं शैतान के लिए भी लड़ जाऊं, ये तो फिर भी इंसान है। अगर ये सब इंसान है तो फिर तू कौन है बे? बोल, अबे बोल। बोल बोल। अरे गुंगे बोल। बोल। अरे कौन है तू? तेरा नाम क्या है? नाम बोल। अरे बोल। गोविंदा। गोविंदा।
Govinda! Hey, Julie! अरे जॉनी के खोली में जूली। जॉनी तुम फिर पी के आ गया? अरे क्या बात है बाप? अरे जूली डार्लिंग, अपन तो नशे वाला आदमी है क्या? तुम्हारी मोहब्बत का नशा किसी बाटली में मिलता नहीं ना, इसलिए अपन बाटली में घुस जाता है। लेकिन तुम ऐसा ब्यूटीफुल टंगड़ी के साथ अपन की खोली में आया ना, तो ये बाटली गायब और तुम अपन की बाहों में। जॉनी भंकस नहीं, भंकस नहीं, पब्लिक के पास टाइम नहीं है। वाह भिड़ू वाह, जॉनी का डायलॉग जॉनी को चिपका दिया बाप। पब्लिक के पास टाइम नहीं है ना, लेकिन अपन के पास बहुत टाइम है। बैठ जाए, एक प्राइवेट बात करनी है। क्या है जूली, कल रात को इस बिस्तर में एक लफड़ा हो गया। कैसा लफड़ा? एक छोकरी का लफड़ा। जॉनी तुम्हारा घर में छोकरी? कल रात को आई थी। ये तुम क्या बोल रहा है? देख जूली, आदमी दारू पी के सच्ची सच्ची बोलता है, मैं भी सच बोल रहा हूँ, गॉड प्रॉमिस। कल रात को एक लड़की बिल्कुल इसी तरह बैठी हुई थी मेरे सामने, तू आ गई कर ऐसे नजर उठा के देखा, तू मुस्कुरा, उसने भी मुस्कुराई, फिर मैं खिसका, तू खिसक, वो भी खिसकी, फिर मैं खिसका, वो भी खिसकी, फिर मैं खिस, नहीं इतना नहीं खिसका था, फिर लड़के ने लड़की को यूं देखा, अपने बाहों में लिया और किस करने गया। जॉनी मैं तेरा गला दबा देगा, बोल कौन था वो लड़की? ये जूली लगता है ये सजनी था, एक सपना था, मैं सच बोलता हूँ, वो एक सपना था। सपना था? हाँ। सपने में लड़की आया था? हाँ। और लड़की को तूने लिटा दिया था? हाँ। और वो लड़की मैं था? हाँ, तुझे कैसे मालूम? और फिर मैंने तेरा गला दबा दिया था? नहीं, उसने दोबारा नहीं दबाया था। ए जॉनी, ज्यादा सियान पटी नहीं, वरना कांजी के ऊपर ऐसी स्त्री फिरेगा कि कांजी बाहर और स्त्री ऊपर, समझे? चल लेट जा। ए, तेरे को सब कुछ पहले से मालूम था, कांजी बाहर स्त्री ऊपर। बेटे हो गई इंटरव्यू की तैयारी? हाँ माँ, हो गई तैयारी। डेढ़ साल से तो यही किए जा रहा हूँ, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहा हूँ, मगर ये नौकरी है कि मिलती नहीं, और मेरे इंटरव्यू देने की हिम्मत है कि हारती नहीं। भगवान पे भरोसा रख बेटे, सब ठीक हो जाएगा। भगवान? माँ, तेरी और भगवान की बहुत जमती है ना। क्यों? भगवान को कहकर मेरा छोटा सा एक काम करवा दे। पगले, भगवान से काम करवाएगा? हाँ माँ, माँ तू भगवान से कहना कि कुछ दिनों के लिए इंसान बनाना बंद कर दे और इस जमीन पर फैक्ट्रियां बनाकर भेज दे, कुछ मिले, कुछ कारखाने, ताकि हम गरीब बेरोजगारों को नौकरियां मिल जाएं। अरे बेटे, आज तुझे नौकरी जरूर मिलेगी। मतलब तुम्हारा मैसेज ऊपर पहुंच गया माँ? अरे नहीं बाबा नहीं, ये तो एक माँ के दिल का विश्वास है। माँ, एक बार मुझे नौकरी मिल जाए ना, फिर देखना मैं इस घर को क्या से क्या बना देता हूँ। इन खिड़कियों पे नए पर्दे होंगे, दीवारों पे नया रंग होगा, एक खूबसूरत पलंग होगा,
हाथ धोने के लिए बेसन होगा, नहाने के लिए बाथरूम होगा और तेरे पूजा के लिए एक मंदिर भी होगा। माँ माँ, तेरा ये बेटा दुनिया की सारी खुशियां तेरे कदमों में रख देगा। बेटे, मुझे सिर्फ चांद जैसी बहू ला दे। बहू? और वो भी चांद जैसी? अरे माँ, ये बहू है चांद बनकर आती जरूर है, लेकिन कुछ ही दिनों में लाल भड़क सूरज बन जाती है। ऐसे चल रहा था, मरेगा नहीं तो और क्या होगा? तो क्या हुआ, इसे हॉस्पिटल तो पहुंचा दीजिए। माय फुट, तुम लोगों को अगर इतनी हमदर्दी है तो तुम लोग इसे हॉस्पिटल ले जाओ। और ये लो पैसे। किसी अमीर बाप के सर फिरी औलाद लगती हो। माइंड योर ओन बिजनेस। बिजनेस? मैम साहब, इंसानियत हम इंसानों का सबसे बड़ा बिजनेस है। अगर मैं आपको इस मजदूर की तरह गाड़ी खिंचवा कर, आपकी ही गाड़ी से उड़वाकर ये नोट आपके हाथों में थमा दूं तो? बंद करें बकवास। अच्छा, हमारे जबान से बात निकली तो बेहुदा बकवास हो गई, और आपकी जुबान से बात निकली तो अमीर का इंसाफ हो गया? हटो, जाने दो हमें। ए मेम साहब, ऐसा एक्सीडेंट करने के बाद ड्राइवर घर नहीं जाता, पब्लिक के हाथों अस्पताल जाता है या तो फिर शमशान घाट। क्या कहा? अरे शुक्र करो मेम साहब के तुम एक लड़की हो, वरना ये पब्लिक ऐसा मार मारती कि अपने आप को पहचानना मुश्किल हो जाता कि तुम क्या थी और क्या हो गई। शट अप मेम साहब, ये रहे आपके पैसे, पूरे वक्त में काम आएंगे। और जहां तक इस बूढ़े बाबा के काम का ताल्लुक है जो डिब्बे पहुंचाना है, आज इनको जख्मी करने की सजा में ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। आर यू गॉन क्रेजी? हे मेम साहब, तुम इंग्लिस्तानी बोलो, जापानी बोलो या अरबिस्तानी बोलो, लेकिन इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। क्यों भाई लोग? नहीं, हम हरगिज़ नहीं करेंगे। सोच लो मैम साहब, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो ये लोग तुम्हारी गाड़ी को मार मार के डालडे का डब्बा बना देंगे, या तो फिर पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। फैसला अब तुम्हारे हाथों में है मैम साहब। डब्बे पहुंचा दूं गाड़ी में। ओके, रख दो गाड़ी में। भाई लोग, बाबा को गाड़ी में बिठाओ, डब्बे भी गाड़ी में रख दो, चलो। जेके शू कंपनी साहब, आज ये मेम साहब की वजह से मेरे इंटरव्यू का डब्बा भी गुल हो गया, नौकरी तो गई। अरे चलिए चलिए डिब्बे बांटने, चलिए। ओके। मेरा नाम गोविंदा है, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। मिस्टर गोविंदा, इंटरव्यू का वक्त तो सुबह का होता है और इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं। खैर, मिस्टर गोविंदा आए हैं। ओके, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। आई एम सॉरी सर, मेरे आने में थोड़ी देर हो गई, रास्ते में एक बड़ी बदतमीज लड़की से मुठभेड़ हो गई थी सर। ये आजकल की अमीर लड़कियां गाड़ी में क्या बैठ जाती हैं, रास्ते में चलने वालों को एकदम बेकार समझती हैं सर, जैसे कि रास्ते पे चलने वाला कचरे का डब्बा हो। बस वो मामला सुलझाने में मैं ऐसा उलझा कि देर हो गई सर। आप? नमस्ते मिस्टर गोविंदा, जाने की जरूरत नहीं, समझिए नौकरी आपको मिल गई। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। जी? हाँ, आपने जो भरे बाजार में हमारे साथ सुलूक किया था, ये नौकरी उसका तोहफा है। आपका बेबाक अंदाज हमें बेहद पसंद आया था। मिस्टर गोविंदा, लंदन से हिंदुस्तान आते ही
आपने हमें राह चलते हिंदुस्तानियों की इज्जत करनी सिखाई, जिससे हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत बन गई है। नौकरी देने का बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। सुनो 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, आजकल के जमाने में बिरयानी पकाने के लिए मुर्गी मिल जाती है, शादी करने के लिए छोकरी मिल जाती है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। अपुन टाइम की खोटी ना करते हुए खत को तार में पड़ते हुए ये खुशखबरी ऐलान कर रहा है कि अपुन के भाई गोविंदा को नौकरी मिल गई है। बाय। और इस खुशी के मौके पर गोविंदा की माँ यानी कि अपुन की और जॉनी की अम्मी सबको मिठाई बांटेंगी। सबसे पहला मिठाई अपुन लेगा, बाद में लाइन लगा के ले लेना। क्या अम्मी, देख तेरे तीन बेटे, अपुन सबसे छोटा है, तो सबसे ज्यादा प्यार अपुन को मिलना मांगता है ना? नहीं नहीं। लेकिन ये तो बता, चाहता क्या है? चाहता क्या है? वेरी सिंपल, वेरी इजी। एक पेड़े की जगह दो पेड़े देना। अच्छा बाबा, ये ले दो लड्डू। ये तो अपुन कैसे का है, वो जानी कैसे का है, उसके लिए लेके जाएगा ना, वो तो पांच छह पेड़ा खाता है। अच्छा अच्छा, और एक। अरे क्या, अपना हिस्सा अपने को चाहिए। देखा लड्डू के हाथ से, अरे वो तो जाना ही था, देता है क्योंकि दूसरों का हिस्सा मारना बुरी बात है भाई। नौकरी मुबारक। माँ तो क्या है, देखो इसको नौकरी तो मिल गई, अब एक अच्छी सी छोकरी ढूंढ के ना इसकी शादी करा दो, ताकि हमारा बस्ती में थोड़ा डांस बांस हो। अरे इसकी चकाई को जाने भाई, अभी बड़े बाबा का संदर्भ निकालेगा ना। हाँ। तुम दोनों का शादी का दुआ मांगेगा। नहीं जॉनी, बहुत हो गया, अब छोड़ दिया बॉटल। ए जूली, मुझे पीने दे। तुमको ऐसा कौन सा दुख है जॉनी, जिसको भुलाने के लिए तुम्हें जहर पीता रहता है? अरे ये जहर नहीं, दवा है, अकेलापन भुलाने का टॉनिक। जब तक ये बोतल इस 6 फीट बोतल के अंदर नहीं जाता है ना, तो आंख में नींद नहीं आता है। और एक बात याद रखना, जॉनी एक बार जीना छोड़ सकता है, पीना नहीं। मैं पीऊंगा और जरूर पीऊंगा। भाईजान, अपन तेरे को शराब पीने नहीं देगा। क्यों इतना शराब पीता है? देख भाईजान, ये शराब तेरा कलेजा जला कर रख देगी। ना, ये कलेजा ना बहुत कड़क है, और जब ये दारू इस कलेजे के अंदर जाता है ना, तो साला दारू खुद जल जाता है। और अगर अपन नहीं पिएगा तो इधर लगे ली आग वैसे बुझेगा। देख भाई, अपन तेरे को पीने नहीं देगा। देख भाई, देखो देखो, अपन तुम दोनों को समझाया, अपन को पीने दो भाई। भाई बोलता है दारू का है, वो पीता है, अरे क्यों नहीं पिएगा। मदर मेरी, सुना तुमने वो लोग क्या बोलता है? बोलता है कि अपुन इतना दारू काय को पीता है। अरे जिसका इस दुनिया में माँ नहीं, बाप नहीं, आंसू पोछने वाला कोई नहीं, ऐसा तकदीर का मार खायला आदमी दारू नहीं पिएगा तो और क्या पिएगा? हाँ, क्या पिएगा? पर मदर मेरी, कसूर क्या था उस जॉनी का? जॉनी ने किसका क्या बिगाड़ा था कि तूने इतनी बड़ी सजा दी? इस भरी दुनिया में जॉनी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, जिंदा रहने का इतना कड़क सजा दिया कि माँ का हाथ छुड़ाकर बोतल पकड़ा दिया जॉनी को। इस दुनिया में जॉनी को मिला क्या? कुछ भी तो नहीं। अरे माँ नहीं तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, और इस संसार में माँ के प्यार के सिवा कुछ भी नहीं। मदर मेरी, एक बार मुझे मेरी माँ का गोद मांगता है मुझे, बरसों से सोया नहीं मैं, माँ का हाथ जॉनी के सर पे आएगा ना तो जॉनी जॉनी चैन की नींद सो जाएगा। माँ बोलना, माँ कब तू जॉनी का सपना पूरा करेगा? बोलना माँ। नहा लिया गोविंदा? क्या बात है,
ऐसे क्यों देख रहा है? यही कि कितना बदनसीब हूं मैं, बचपन से तेरी मांग में सिंदूर देख रहा हूं लेकिन अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। मां इतनी तपस्या के बाद तो एक बार भगवान भी दर्शन दे देता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग यहां उनका इंतजार कर रहे हैं और वो गोविंदा भगवान के? नहीं गोविंदा नहीं, ऐसे बोल मत बोल मेरे बेटे, जो तुझे अनाथ और मुझे विधवा कर दे। मुझे पूरा विश्वास है तेरे पिता जिंदा है और एक न एक दिन हमें अपने गले लगाने वो जरूर आएंगे। माँ। हाँ बेटे, हर दुख के पीछे एक सुख छुपा होता है, हर रात के पीछे एक सुनहरी सुबह। हमारी जिंदगी में वो सुबह जरूर आएगी बेटे, जरूर आएगी, जरूर आएगी माँ, जरूर आएगी। ए जुले, यानी कि बटली खाली हो गई, और एक लेकर आ। अरे मैं बोला ना और एक लेकर आ। जॉनी, मैं बोला ना तुमको नो। अरे भाई प्लीज जुली, प्लीज वन प्लीज, एक लेकर आ, एक प्लीज जुली प्लीज। मैं बोला ना अभी मैं तुमको एक ड्रॉप भी नहीं देगा, समझा? देना नहीं देगा। ए जुले, देना बोला ना, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। ए जुले, राजी खुशी दे दे वरना मैं जबरदस्ती बाटली ले लूंगा। हाँ मैं बोला ना नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। ए दुनिया को बांट दिया, मुझे डांट दिया, जरा सोच। हाँ मैं तेरी दुकान में पीना बंद कर दिया तो तेरी दुकान कैसे चलेगी? हाँ जॉनी, तुम क्यों इतना पीता है? सब लोग बोलता है तुम एक नंबर का बेवड़ा। ए मैं बेवड़ा क्या रे? नहीं, नहीं। ए, देखा ए, मुझे इसका नशा कहाँ चढ़ता है, मुझे तो तेरे प्यार का नशा यहाँ घसीट कर लाता है। तुझे मालूम मेरे दिल में तेरे प्यार की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अरे कौन सी फैक्ट्री है भाई? रोमांस की, रोमांस, जॉनी एंड जूली कंबाइंड, जहाँ मोहब्बत का वाइन बनता है, वेट 69 बनता है। पिया नहीं तो तुझे कैसे मालूम? ए जूली, मेरी शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर कब साइन करता है? शादी? हाँ। यू मीन मैरिज? यस। तुम्हारा माफिक बेवड़ा के साथ? ए फिर बेवड़ा बोली? हाँ बेवड़ा। ए, ए मैं फोड़ डालूंगा, मैं बेवड़ा हूँ क्या रे? नहीं साला भाग गई है, समझ गया बिड़ू? मैं खुद गया ना, मुकर गई, समझ गया रे? समझ गया, भाव खा दिया साली। ए जॉनी को जानता नहीं क्या? एक सिटी मारता है तो मोहल्ले की सारी लड़कियां कूद कर बाहर आ जाती है, भाव खाने ली साली। ए जुली, ए जुली, ए भाई साहब, ए भाई साहब, आपका कुछ खो गया क्या? अरे जॉनी बाबा, अरे तुम काय को खाली फोकर में जूली का घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाता है? तुमको दारू मांगता है पियो ना? ए जॉनी बाबा, तुमको शादी करने का क्या? तो तुमने हमारा बेटी मंगला देखा? देखा अपुन का मंगला, खूबसूरती का बंगला है। तुम एक बार देखेगा ना तो देखता ही रहेगा, देखता ही रहेगा, देखता ही रहेगा। तुम्हारी मंगला को मैंने देखा जुहू बीच पर। अच्छा? और ऐसा देखा, ऐसा देखा कि पूछो मत। अरे वाह वाह वाह, पांच पांच आदमी के साथ। अबे बुढ़े खुसड़, फर्स्ट हैंड समझ में आता, सेकंड हैंड समझ में आता, थर्ड हैंड तक समझ में आता, लेकिन ये कैसा हैंड है जिसका साला कोई भी हैंड ही नहीं है? आइंदा अगर तूने अपनी बेटी की शादी की बात मुझसे करने की कोशिश की तो तेरा ये जिंदगी भर। अरे 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 अरे, संभल के, संभल के जॉनी, संभल के। हाँ ये ले, ये ले नारंगी का, बहुत अच्छा। एक बात पूछू जॉनी? पूछो। तुमने हमारा बेटी रोजी को देखा है? गुम हो गई क्या? नहीं गुम नहीं हुआ, ऐसे पूछा, उसको देखा। अरे रोज देखता हूँ।
अरे वंडरफुल, वेरी गुड, मेरे को मालूम तुम उसको रोज देखेगा और एक रोज हमारा पास आके उसका शादी का बात छेड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है? रॉबर्ट पिंटो। तुम्हारा टू बी फादर इन लॉ। टू बी फादर इन लॉ, जिसकी बेटी को सारा हिंदुस्तान छेड़ता है उसकी शादी के बाद तो मुझसे छेड़ेगा? हाँ नहीं छेड़ेगा, नहीं छेड़ेगा। तो रॉबर्ट का पिंटो मारू। दुबई दुबई रिटर्न। कितने कितने माई डार्लिंग। शादी की बात नहीं करना। नहीं नहीं शादी नहीं। अरे जब हमने अभी तक शादी नहीं किया तो तुमको कैसा बोलेगा कि तुम शादी करा। एक मिनट, डायलॉग नहीं मांगता है। नहीं, पब्लिक के पास टाइम नहीं है, जो कुछ भी बोलना है कट टू कट। क्या कट टू कट? तुम जॉनी बैंड्रक सैंड्रक मेरी सैंड्रा के जात का बैंडा मारू? तेरा वो सैंड्रा के लिए साला मैंने बैंडा छोड़ा और तू साला हराम खोर फिर बाद में उस सैंड्रा की बात करता है? नहीं नहीं नहीं, उसका एड्रेस बदल गया है, खा ढंड हो गया। यू सी शी इज ब्यूटीफुल, तुम उसके साथ शादी करेगा? अरे तुम उसके साथ शादी नहीं बनाना, तुम हमारा बंगला के साथ शादी बनाना। किरण वो आ गया। गोविंदा चलो मिस्टर गोविंदा। यस मैडम। यहाँ आएंगे आप? यस मैडम। मिस्टर गोविंदा आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। ये रहा ज्वेलर का पता, यहाँ से सामान लेकर इस पते पर पहुँचाना है। और हाँ, सामान जरा कीमती है इसलिए आप हमारी गाड़ी ले जाइए। ये रहा कार्ड। ओके मैडम। अब आएगा मजा? अभी नहीं, खेल तो अब शुरू हुआ है। जी मैं जेके शू कंपनी से आया हूँ, मिस किरण ने उनका पैकेट मंगाया है। जी एक मिनट, ये लीजिए पैकेट। थैंक यू। बेवकूफ कहीं का, अभी तक तो मार मार के डालने का डब्बा बना दिया होगा। तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया ना? अभी नहीं, हमारा बदला तो तब पूरा होगा जब वो हमारे कदमों पर गिरकर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। तब उसे पता चलेगा कि हम में और उसमें क्या फर्क है। फर्क मैं तुम्हें बता, जैसे मैंने कहा था कि तुम एक अमीर बाप की सतगिरी औलाद हो और मैं एक गरीब माँ का खुददार बेटा हूँ। गोविंदा। हाँ हाँ, वही गोविंदा जो दौलत से ज्यादा इंसानियत और हमदर्दी को मानता है, जो तुम में नहीं है। शराब तुम्हें अपनी दौलत का नशा है। तुम क्या जानो एक लड़की एक औरत का वो रूप जो इस दुनिया में माँ बहन और बीवी कहलाती है, पूछी जाती है। मैंने तुम्हें क्या सोचा था और तुम क्या निकली? प्यार तो क्या किसी के नफरत के काबिल भी नहीं हो तुम। तुम्हें औरत जात कहलाने का भी कोई हक नहीं। ये लीजिए मेम साहब और सलाम आपकी दी हुई नौकरी को। तुम्हें औरत जात कहलाने का कोई हक नहीं। तुम नफरत के काबिल हो, तुम औरत बनने के काबिल नहीं, तुम नफरत के काबिल हो, तुम नफरत के काबिल हो। तुम्हें औरत जात कहलाने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, नफरत के काबिल हो। गोविंदा तुम? हाँ गोविंदा, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। ओ समझा, जब तक तुम मुझसे बदला नहीं ले लेती नई चाले चलती रहोगी। नहीं गोविंदा, सच मानू मैं। क्या सच मानू? यही कि तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है। गरीबी का मजाक उड़ाने वाले कभी सच नहीं बोलते, समझे मैम साहब? अब तुम्हारी कोई चाल यहाँ कामयाब नहीं होगी।
क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो दिखता नहीं। और तुम उस दौलत के घेरे में कैद हो, चाहे इंसानियत, मोहब्बत, प्यार कोई मायने नहीं रखती। तुम सच कहते हो गोविंदा, आज तक मैं सिर्फ दौलत की कैद में थी, जहां मुझे न माँ का प्यार मिला न पिता का। तुम्हें मुझे इस कैद से छुटकारा दिला। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, तुम ही मेरे देवता हो, क्योंकि तुम्हें मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे सीने में भी दिल है। और उस दिल में अपुन का भाई गोविंदा रहता है। इकबाल, आधा मिनट भाईजान, आधा मिनट। पहले अपुन अपुन का भाभी जान से इंट्रोडक्शन तो कर डाले। हाँ तो भाभी जान, अपुन तीन भाई लोग हैं, सबसे बड़ा जॉनी, सेकंड नंबर पे गोविंदा, और सबका प्यारा सबका दुलारा ये छोटा चेतन, यानी कि अपुन इकबाल। आधा वर्ष इकबाल। आप भाईजान, भाईजान, किसी बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात बोली है कि रब रूठे तो रूठे, जग छूटे तो छूटे, लेकिन दिल तोड़ना तो गुनाह है यार। चलो भाभी जान का हाथ पकड़ ले और बोल डाल कि रूठे तो रूठे ये सारा जमाना, दिल तुम पे आने लगा है। आए, 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 बिस्मिल्लाह। डैडी, डैडी। ओ डैडी। आओ किरण बेटिया। कैसी हो बेटी? डैडी पूरा एक हफ्ता हो गया, आप तो मिलते ही नहीं। जिंदगी में बिजी होना बहुत जरूरी है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ओहो डैडी, इतना पैसा कमा कर क्या करेंगे आप? देखो बेटी, हमारे घर में एक जवान बेटी है और आने वाला दामाद। अपने दामाद और बेटी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अभी जरा हमें इनसे बात कर लें दो, तुम ऊपर जाके आराम करो। ओके, बाय डैडी। बाय बेटे। हाँ तो कपूर साहब, आप क्या कह रहे थे? ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है। ये रहे आपके 50 लाख रुपए, लेकिन हेरोइन की कंसाइनमेंट हमें परसों तक मिल जानी चाहिए। मिल जाएगा। इन हरे हरे नोट्स के बदले हीरोइन तो क्या, जिसका भी बोले उसका खून मिल जाएगा। माल से भरा हुआ ट्रक आपके गोदाम में पहुंच जाएगा। दाऊद खान, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जगह सेठ, फिक्र नहीं करने का। खलास। उस्ताद, चुंगी। घबरा नहीं, ऐसी कोई चुंगी नहीं बनी जो दाऊद की गाड़ी को रोक सके। साला बगीचा समझे ले। अबे साला, इतना हॉर्न बजाता है सुनाई नहीं देता है क्या? चल चल रास्ता छोड़। हाँ अपुन, क्यों बोलो, बावटा गुल हो गया क्या? जानी भाई, अपुन ने तो कुछ किया लिस नहीं, अपुन का रास्ता रोकने का मतलब? बगैर कुछ किए सांप भी किसी को डंग नहीं मारता, शेर किसी को पंजा नहीं मारता, फिर मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है। जब तक कोई कुछ नहीं करता, जॉनी का चुंगी अड्डा उससे नहीं रोकता। कौन नहीं रोकता? जॉनी का चुंगी अड्डा। हाँ। पर जॉनी भाई, तेरे को कैसे मालूम पड़ा कि अपन इधर से जाने वाला है? बताता हूँ, ये देख, ये अपन का वारंट है क्या? जन्म पत्री यानी कुंडली। तेरे जैसे सब शाणे लोगों की कुंडली मेरे पास है, जिससे मुझे यह मालूम पड़ता है कि स्मगलिंग का माल यहां से कब वहां जाता और वहां से फिर कब यहां आता है। और बेड़ू, अपन टाइम से पहले वहां पहुंच जाता है, और तुम्हारे जैसे यहां वहां करने वाले, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले का सीधा एक्सपोर्ट करा देता है। एक्सपोर्ट करा देता है। ओह थैंक यू जॉनी भाई, थैंक यू। लेकिन कहां? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन आधा। भागने का नहीं, भागने का नहीं। जॉनी भाई, जॉनी भाई, कुछ ले दे के मांडवली नहीं कर सकते? मांडवली? हाँ मांडवली। साला हरामखोर, तू मुझे हफ्ता खाने वाला समझा क्या? नहीं नहीं, ऐसी नहीं, बैंड बजाऊंगा कि मरने के बाद भी तुझे आवाज सुनाई देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं जानी भाई, मेरी बात। डायलॉग नहीं, डायलॉग नहीं। मैं तुझे कितनी बार बोला हूँ कि पब्लिक के पास टाइम नहीं है क्या? हाँ चल जानी भाई। इंस्पेक्टर अंकल,
तुम उस दिन बोला था ना कि जॉनी कोई खबर नहीं देता, और मैं तुमको बोला था कि मैं मछली नहीं सीधा मगरमच्छ पकड़ता हूँ। ये देखो कितना बड़ा मगरमच्छ पकड़ा है साले के ट्रक में, 3 लाख का माल। हवलदार ए आदमी घेऊन जा, डायलॉग नहीं। अरे बड़े जा, बड़े जा, बड़े जा। जॉनी भाई अंकल जरा शाबाशी दो ना। थैंक यू जॉनी। हाँ तुम शाबाशी देता ना तो अपन का सीना एकदम लोखंड की तरह हो जाता है। पिछला कमीशन, कमीशन हाँ, अगर कमीशन नहीं मिलेगा तो अपन का प्रोग्राम कैसे चलेगा? कौन सा प्रोग्राम अंकल? वैसे तो मैं पिता नहीं, आप अंगूठे पे नहीं जाना। वो क्या है कि बस्ती का सिल्वर जुबली फंक्शन है ना, सारा इंतजाम अपन को ही करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है ठीक है, शाम को लेकर जाना। ओ अंकल से वर्दी बीच में आ गया, कोई बात नहीं शाम को ले लूंगा। हा? क्या है ना पप्पी जॉनी, ए जॉनी, जॉनी तुम काम खत्म करने में इतना टाइम क्यों लगाता है? ए जुले तू ऐसा मत बोल, मेरे दिल में कुछ होने लगता है। काम जल्दी खत्म करो ना, आज बस्ती में हीरो आने वाला है। ए जुले तू मेरे सामने कोई हीरो वीरो का नाम मत ले, मेरे दिल में कुछ होने लगता है बोल देता हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा जॉनी भाई, आज मेरे को भी कुछ हो रहा है। गोविंदा ये जॉनी का होने वाला भाभी। किरण ये जॉनी है मेरा भाई। हेलो जॉनी भाई, ये किरण। और ये गोविंदा का होने वाला भाभी जुली। क्यों ठीक बोला कि नहीं? और वो सबसे छोटा वाला कहाँ है? इकबाल? ओ अपना धमाली। हाँ वो किसी हीरो को लेने गया है बस्ती में धमाल करने के लिए, और आपको तो मालूम है ये साले हीरो लोगों का कोई टाइम ही नहीं होता। ले आगे ले बाप, चले हटा सावन की घटा है। भेंडी बाल बिल्कुल सूट बीट को साफ के हाथ नहीं लगाना है, समझा? फोड़ डालो। ए चला ए, ए अरे अवन को फोड़ डालूंगा साला, साहब बिंदास बाहर निकलो, अपनी जरिया का भाई है, फोड़ डालूंगा सबको, डरने का नहीं। क्या है जॉनी, ये तो बिल्कुल तेरे मुंह का दिखता है। खर्चा पानी किया गया। अरे गोविंदा इसको काय को बुलाया, अपन को माला पिला के बिठा देता ना। ए जॉनी आस्था बोल ना, वो सुनेगा तो चला जाएगा। अरे समझे रे सब, पर्दे पे पर्दे पे। ए उठ रे, चल अपन लोग उसको। अरे अपन नहीं जाता, अपने को देखेगा ना साले का कचरा हो जाएगा, भाग जाएगा। जा जा तू जा। यार तू भी। अरे इसको काय को लाया यार, कमाल हो गया। चले रे बाजी फुसा, ए ए चले वटले, ए वटले 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 चंपा काय को चलना, बहुत नाच गाना हो गया ना। आओ साहब ये अम्मा है। जीते रहो बेटा, तुम्हारा नाम बहुत सुना था, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आओ सब पतली का। आपन इधर का दुबई अंकल है, दुबई। चले बढ़िया बढ़िया, ये इंडिया, चल बैठ। हम रोजी का फादर। आओ सब बैठ जाओ बिंदास। चले अभी आवाज नको क्या? हाँ हाँ, हाउ डू यू डू, अपुन मंगला का फादर। नाइस मीटिंग यू। चले आप छोड़े, घर पे लेके जाएगा क्या? सुन रहे ले क्या? साला कोई हाँ भी नहीं बोलता। भाइयों और बहनों, अपुन किया अपुन की बस्ती में अपुन का गोविंदा भाई की जुबान पर मिथुन चक्रवर्ती साहब आयला है। अभी इधर साहब स्टेज पे आएगा, डायलॉग मारेगा, ताली बजाने का क्या? हाँ जो भी अरेगा नड़ेगा उसको अपुन तोड़ेगा फोड़ेगा बाद में। आवाज लगो तो अभी अपुन का गुजारिश है अपुन का मिथुन चक्रवर्ती साहब से कि स्टेज पे आए और अपुन पर और अपुन का ये बस्ती पर दो चार डायलॉग मारे। मिथुन चक्रवर्ती साहब, साहब पब्लिक आपका आवाज सुनने के लिए बेताबी से वेट कर रही है, तो आप माइक हाथ में पकड़ ले तो अच्छा है क्या? भाइयों और बहनों, आपकी एकता नगर की एकता को देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये मिसाल आपके यहां देखने को मिली है। ऐसा लगता है कि हर मजहब ने इस एकता नगर की छत के नीचे शांति से जीने की कसम खाई है। दोस्तों हमें हिंदुस्तान की देशवासियों से यह गुजारिश है कि एकता नगर की वासियों से यह सबक हासिल करें और हिंदुस्तान की एकता को कायम रखें। अच्छा बोलता है बाप, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि एकता नगर की एकता बनी रहे और ये हंसी खुशी का चमन बना रहे। धन्यवाद। तालियां। हाँ क्या लेकिन झोंके बजाओ।
क्या बात है सेठ, अभी तक पर्दे पे देखा था, रियल लाइफ में देख रहे ले, हक है। क्या देख रहे हो? गंगा घाट में पिछड़े वाला भाई नहीं, शक्ल मिलता है। हाँ ये तो ऊपर वाले का कमाल है, तुमको इतना बड़ा हीरो बना और अपन को बस्ती का मामूली सा इंसान। नहीं भाई, इस बस्ती का कोई भी इंसान मामूली नहीं है। आप सब लोग तो इंसानियत के रखवाले हो। हमारी तरफ से शुभकामनाएं, मुझे आज्ञा दीजिए। अरे नहीं नहीं साहब, तुम अभी तक पर्दे पे नाच गा के अपन का दिल खुश करता था ना, आज अपन तुम्हारा दिल खुश करेगा। क्या है कि हम दोनों में फर्क बहुत है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले से हमको कोई शिकायत नहीं। ए सेठ, हम तो रूखी सूखी खाते हैं लेकिन जीते हैं शान से। हड़ सावन की खड़ा है, हट रे, हट। हाँ हाँ समझो। अरे भाई काय को नाराज हो रहे ले, अपुन का जात नहीं, अपुन अपुन फैले यार। समझा रहे इसको। अभी नहीं, आज तक हमने तुम्हें अपनी जिंदगी के सारे फैसले करने की आजादी दी है, लेकिन घर बसाने का फैसला सिर्फ एक बाप का होता है। लेकिन डैडी, बाप का ये भी तो फर्ज होता है कि वो अपनी बेटी की खुशियों का ख्याल रखे। अगर गोविंदा ही मेरी खुशी है तो आप क्यों ये महल झोपड़ी, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच की दीवार खड़ी करके मुझसे मेरी खुशियां छीनना चाहते हैं? तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारी खुशियों का कोई ख्याल नहीं है? डैडी, माँ के मरने के बाद आपने कभी मेरे चेहरे पर उदासी नहीं आने दी। मैं आपके फैसले से समझौता कर लूंगी, जरूर कर लूंगी, लेकिन लेकिन अगर गोविंदा मेरी जिंदगी से छिन गया तो मैं कभी नहीं हंस पाऊंगी डैडी, कभी नहीं। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारे प्यार की सच्चाई का इम्तिहान ले रहा था। गोविंदा मुझे भी बहुत पसंद है। सच डैडी? डैडी कसम ईमानदारी की, मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? किरण को तो मैं दिलो जान से चाहता हूं। बच्चे, बगैर पैसे के जान निकल जाती है, और रहा सवाल दिल का, तो आजकल लोग परदेश जाकर दौलत से दिल बदल लेते हैं। लो तुम भी अपना दिल बदल लो, और मेरी बेटी का ख्याल अपने दिल से ऐसे निकाल दो जैसे नास्तिक के दिल से भगवान निकल जाता है। मैं एक बार अपने दिल से भगवान का ख्याल निकाल सकता हूं सर, लेकिन किरण का नहीं। इंसान का लालच भी कितना कमी ना होता है। अगर मेरे दिल में लालच होता तो ना इस टेबल पे ये पैसे रहते और ना मैं। जानता हूं तुम गरीब लोग अमीर बन जाने के लिए कितने गिर जाते हो, ना जाने तुम्हारे रगों में कैसा खून। खबरदार जो अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो, हम गरीब लोग अपना पसीना बेचकर यहां रोटी कमाने आते हैं, अपने मां बाप को गाली खिलाने नहीं। और रहा सवाल मेरी मोहब्बत का, वो आपकी दौलत की भूखी नहीं है सेठ, और ना ही आपकी इस नौकरी की। सलाम जेके सेठ। वेल डन माय बॉय, वेल डन। मुझे अपने होने वाले दामाद से यही उम्मीद थी। नाज है मुझे अपनी बेटी की पसंद पर। कि आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। इम्तिहान में कामयाब हो जाने के बाद ऐसा ही लगता है। देखो गोविंदा, अब तुम दो शादियां करने जा रहे हो, एक मेरी बेटी के साथ और दूसरी मेरे कारोबार के साथ। हमारा कारोबार लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, और ये करोड़ों की जिम्मेदारी हम तुम्हारे कंधे पर रखना चाहते हैं बेटे। सर, क्या आप वाकई हमारे रिश्ते से खुश हैं? बेटे, औलाद की खुशी में ही मां बाप की खुशी होती है। थैंक यू सर। सर नहीं बेटे, आज के बाद तुम मुझे अपना बाप समझोगे। जी। देखो गोविंदा, हमारे कुछ पार्टियों की शिकायत है कि जितना माल हम अपनी फैक्ट्री से ट्रक में भरकर भेजते हैं उतना माल उनके यहां पहुंचता नहीं। आज के बाद माल पहुंचाने का जिम्मा मैं लेता हूं। वेरी गुड, तो फिर ये लो ट्रक की चाबी। थैंक यू सर। कसम ईमानदारी की, ऑल द बेस्ट।
पुलिस स्टेशन। रुको रुको भाई, रुको रुको भाई, यहीं रुको 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 रुको। क्या हुआ? ये तो उस्ताद बताएगा। उस्ताद जॉनी गोविंदा। हाँ मैं, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? अब उनका तो ये धंधा है, लेकिन ये ट्रक लेके तुम कहां जा रहे हो? जॉनी घर चलाने के लिए लोग बैलगाड़ी और हाथगाड़ी चला लेते हैं, मैं तो ट्रक चला रहा हूं। नहीं दोस्त, कोई चालाक आदमी तुम्हारे जरिए अपनी बेईमानी का धंधा चला रहा है। बेईमानी? मैं समझा नहीं। नहीं समझा? स्मगलिंग। जिस आदमी के लिए मैं काम करता हूं ना, वो ऐसा आदमी नहीं है। अरे कौन साला कैसा आदमी है आज तो गॉड भी नहीं बता सकता, फिर अपन तो इंसान है। लेकिन हाँ, मेरे इस बेईमान आदमी की बेईमानी का सबूत तुझे जरूर दिखा सकता हूं। देखना है? आ मेरे साथ। ये देख, ये देख, अफीम, गांजा, सब कुछ। और कोई सबूत चाहिए? क्या कह रहे हो गोविंदा? हां किरण, मेरे ट्रक में गैर कानूनी माल भर के मुझे पकड़वाने का पूरा इंतजाम किया था उन्होंने। गैर कानूनी माल तुम्हें पकड़वाने का इंतजाम? मैं कुछ समझी नहीं। रिश्ते तोड़ने और दो दिलों को अलग करने के लिए अमीर लोग हमेशा ऐसे ही हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी जाकर अपने डैडी से। उनके पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब तैयार होगा, क्योंकि स्मगलर और मुजरिमों का ना कोई ईमान होता है ना धर्म। मतलब मेरी डैडी चोर है, स्मगलर है? हाँ हाँ, तुम्हारा बाप चोर है, स्मगलर है, देशद्रोही है। और ऐसे देशद्रोही के फैक्ट्री में मैं काम करने से इनकार करता हूं। गोविंदा, कसम ईमानदारी की, गोविंदा ने हमारी बेटी को हमारी असलियत बताकर अपने आप से उसने दुनिया में जीने का हक छीन लिया है। खत्म कर दो उसे। आइए अब आप अर्थी को उठाकर चिता पर रख दीजिए। अब आप मां के अंतिम दर्शन कर लीजिए। जॉनी सुनो भाई, जरा लकड़ियां देना।
गीता, गीता, तुम कहां चली गई थी? ये सब क्या हो गया गीता? इतने सालों सालों से पागलों दीवानों की तरह मैं तुम्हें तलाश करता रहा, और आज तुम मिली भी तो गीता। हे भगवान, तूने मेरी पत्नी मुझसे छीन ली, क्या किया तूने? बाबा, मैं आपका बेटा गोविंदा। बेटा? बाबा, बाबा, आज बेटे की जान बचाते हुए माँ ने खुद अपनी जान कुर्बान कर दी। बाबा, मेरे बच्चे, बेटा, जिंदगी भर तेरे नाम का सिंदूर लगाती रही, तेरा इंतजार करती रही। बाबा, आप कहाँ चले गए थे? बाबा, बेटे, एक्सीडेंट के बाद मैंने तुम लोगों को बहुत तलाश किया, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला बेटे, कोई पता नहीं चला। अच्छा हुआ आप मिल गए बाबा, अब तो अंतिम संस्कार आप ही को करना होगा। हाँ बेटे। रुखी सुखी खाते हैं जीते हैं। ए, 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 कौन है बे? अरे काहे को लाइट मारता है बाप? तुम्हें अंधेरे से रोशनी मिलाने के लिए, अपनी पहचान कराने के लिए। अरे वाह सेठ, ऐसा पहचान तो रिश्तेदार कराता है, तुम कौन सा रिश्ते का रस्सी खींच कर इधर आया? रिश्ते सिर्फ तीन होते हैं बरखुदा, एक रोटी का भूख से, दूसरा दोस्ती का दुश्मनी से, और तीसरा जिंदगी का मौत से। ए, ए, सेठ, ये दोस्ती दुश्मनी मौत जिंदगी ये सब का गोटी अपन अपने खीसे में लेकर घूमता है। अब डायलॉगबाजी बंद, पब्लिक के पास टाइम नहीं है क्या? सीधा लाइन पर आ जा और काम की बात कर। कसम ईमानदारी की, डीके वो शैतान है जो फरिश्तों से भी उनका ईमान खरीद लेता है। ये तो समझा, पर खरीदने को क्या है बाप? इस शहर की तमाम सड़कों पर हमारे ट्रकें चलती हैं, और इन्हीं सड़कों पे उनको रोकने के लिए तुम्हारी चुंगियां खड़ी हैं। मैं उन चुंगियों को खरीदने आया हूं बरखुदा। हाँ हाँ, अब समझा। और अगर अपन इनकार कर दिया तो? इंसान एक बार यमराज के साथ जाने से इनकार कर सकता है, मगर डीके के साथ हाथ मिलाने से नहीं। जानी तुम जैसे लोगों के साथ हाथ मिलाता नहीं, पंजा लगाता है, और इस पंजे जैसी कलाइयों पर हथकड़ी नाम का लोहा चढ़ाता है, समझा? और हम इनकार करने वालों के अर्थियों को फूल चढ़ाते हैं। खैर, फिर तो आज शहर के जुर्म और पाप की जड़ नहीं, अपन का अपनी मंजिल मिल गई। ऐसा दिमाग बनकर खाऊंगा कि कब टूटा, कब बिखरा और कब तबाह हुआ, तेरी परछाइयों को भी पता नहीं चलेगा। कसम मदर मेरी की, ठीक है ना? मेरी बहन, तुम चाहो तो आज भी अपने बेटे को गले से लगा सकती हो। नहीं भाई साहब, नहीं, हम उसको गले से लगाएगा तो हमारा दुख उसको लग जाएगा। कल वो बच्चा था, आज जवान है, उसका आंग में जवानी का खून दौड़ता है। हमारा कहानी और उसका खून का गर्मी
नहीं नहीं, अरे उसको नहीं तो क्या, आप उसका तस्वीर को देख के जीता है। मेरी बहन, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि माँ बेटे को एक बार मिला दे, चाहे वो मुलाकात दो पल की ही क्यों ना हो। इंस्पेक्टर अंकल। जॉनी। अरे इंस्पेक्टर। आओ जॉनी आओ। अरे तुम किधर है बाप? अरे इंस्पेक्टर अंकल, अरे तुम तो एकदम फिट है। एक बात बताओ अंकल, तुम एक सिटी मारता है तो गुंडे लोग साला 9 से 11 हो जाता है। ये बीमारी हटाने के लिए तुम्हारे पास कोई सिटी नहीं है। ए जॉनी, फिर मजाक? अरे अंकल, तकदीर अपन के साथ मजाक करता है, अपन सबके साथ मजाक करता है, कमाल है ना, ना खत ना टेलीकॉम, एकदम डायरेक्ट बीमार पड़ गया। जॉनी, मौत और बीमारी बोलकर नहीं आती। क्या बात करता अंकल, फिर से अपन को अनाथ करने की बात करता है? अरे बीमारी में तो अपन तुम्हारा हल पूछने आता, तुम हाथ छुड़ाने की बात करता है, फिर कभी ऐसी बात नहीं करना अंकल। अंकल, अरे तुम इस तो एक है जिसके अंदर बाप का प्यार, मां की ममता, हंसी खुशी जिंदगी का सपना दिखता है, और तुम्हारा दिया उम्मीद पर जिंदा है कि एक ना एक दिन जॉनी को उसकी मां जरूर मिलेगा, जिंदगी की किताब में कुछ वक्त खुशी का आएगा, माथे पे लगेला अनाथ का दाग मिट जाएगा। और तुम हाथ छुड़ाने की बात करता अंकल, तुमका एक रोता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर की दुनिया में अपुन के मां भी तेरा कोई बेटा है, और अपुन को देखकर तेरे को तेरा बेटा याद आ गया? इंस्पेक्टर अंकल, इस माई कहां से तो कुछ ऐसा ही बोलता है। अपुन जानता है माई, अपुन जानता है जुदाई का दर्द, अपुन जानता है सजा जेल का हो या अकेलेपन का, बहुत कड़क होता है। अपन तेरे लिए दुआ करेगा कि तेरे को तेरा बेटा मिल जाए, और माही तू भी अपन के लिए दुआ करना कि अपन को अपनी मां मिल जाए। इंस्पेक्टर अंकल, माँ कसम आज तक जॉनी को किसी ने रुलाया नहीं, लेकिन ये माई का आंसू उनका जो रुला दिया। जॉनी, जॉनी, तुम क्या चाहते हो? तुमसे एक जरूरी बात करनी है जॉनी। कौन सी बात? हमारे धंधे की और तुम्हारे रिश्ते की भी। रिश्ता? हाँ रिश्ता, तुम्हारा रिश्ता एक ऐसी औरत के साथ जिसे तुम नहीं जानते। कौन सी औरत? वो औरत जिसे किसी गद्दार की गद्दारी ने तुमसे छीन ली, वो औरत जिसकी ममता तुम्हारा नसीब है, वो कोई गैर नहीं, तुम्हारी अपनी मां है, मेरी। आप उनकी मां? मेरी? हां। किधर है, किधर है आप उनकी मां? किसी जेल में। जेल में? लेकिन क्यों? आज से 18 साल पहले तुम्हारी मां के ऊपर खून का इल्जाम लगाया गया था, और तुम्हारी मां की बेगुनाही का सबूत एक ऐसे शख्स के पास था जिसने चंद रुपयों के लिए उसे खूनी के हाथ बेच दिया, और तुम्हारी मां को उम्र कैद की सजा हुई। जानते हो वो शख्स कौन था? गोविंदा का बाप, एडवोकेट वर्मा। नहीं, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ
वर्मा से मालूम कर लो, वो तुम्हें तुम्हारी मां के बारे में सब कुछ बता देगा। अरे जॉनी बेटे कैसे आए? कुछ पूछने आया हूं। क्या क्या ये सच है कि आज से 20 साल पहले आप एक वकील थे? हां। और आपने मेरी नाम की एक औरत का केस लड़ा था? हां बेटे। और उसकी बेगुनाही का सबूत आपके पास था? हां। और आपने उसे कोर्ट में पेश नहीं किया? हाँ बेटे, लेकिन मैं मगर बात क्या है? कभी नहीं। तूने जॉनी को अनाथ बनाया, मैं तुझे कमीने। और तो और बूढ़ों पे क्या जोर आजमाता है? मर्द से टकरा मर्द से। गोविंदा, ये मेरी मां का मामला है, बढ़ जा यहां से। अरे नहीं, ये मेरे भी मां बाप का मामला है, और ऐसे मामले से बेटा हट नहीं सकता, समझा? चला जा गोविंदा, वरना तू भी इस दुनिया से हट जाएगा। नहीं, जब तक मैं अपने बाबा के जिस्म पर लगे एक एक जख्म का बदला नहीं ले लेता, मैं यहां से नहीं हटूंगा। नहीं जॉनी नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो इनके, लाज अपन इसको खलास कर डाले। जानते हो खून की सजा फांसी होती है? जाने दो, इसके बाप ने अपन से अपनी माँ छीना था, और इसके बाप से मैं उसका बेटा छीन लूंगा। बेटे कसम, जब तक मैं इसका खून नहीं पाऊंगा, ये बुड्ढा नहीं बताएगा कि अपन की माँ कहाँ है। वो नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तुम्हें तुम्हें मालूम था? फिर भी तुम्हारी माँ ने कसम दी थी, और वो आज भी तुमसे मिलने ना आती, लेकिन मैं उसे यहाँ ले आया। देखना चाहते हो तुम अपनी माँ को? तो वो देखो। मेरी मेरी माँ? हाँ बेटा, यही तुम्हारी माँ है, मेरी। मैं मजबूर थी बेटे, मैं मजबूर थी, तू ही जानता मैंने तेरे बगैर एक एक पल कैसा गुजारा है बेटे, कैसे गुजारा है बेटे। जानता हूं तेरे इंतजार का एक एक पल मैं इस एडवोकेट वर्मा के खून से लूंगा। मैं नहीं बेटा, नहीं, नहीं। बाबा तुम क्यों नहीं बोलते कि ये सब झूठ है? ये सच है बेटे, और ये भी सच है कि मैं बेकसूर हूँ। मेरी बहन, मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि अपने परिवार को बचाने के लिए उस वक्त अदालत में मैं खामोश हो गया था। तुम्हारे पति का लिखा वो खत आज भी मेरे पास है। मेरी बहन, एक्सीडेंट के बाद जब मुझे होश आया तो बहुत वक्त गुजर चुका था। वो कमीना बलवंत तुम्हारे साथ मेरे परिवार को भी खत्म कर चुका था। बेटे,
तुम्हें तुम्हारी मां की मौत का बदला और जॉनी बेटे तुम्हें अपने बाप के खून का बदला बलवंत से लेना है। आपस में एक दूसरे का नहीं, उस कमीने बलवंत का खून बहाना है। भाई, जिस आदमी ने हम दोनों के खानदान को तबाह किया है, हम दोनों को लड़वाया, वो और कोई नहीं बल्कि बलवंत का आदमी है। यानी कि तुझे भी भड़काने वाला कोई और था, मतलब दुश्मन को अपनी तरफ बढ़ती हुई अपनी ही तबाही नजर आने लगी है। भाई, वो एक एक दिन जो तूने अपनी माँ के बगैर गुजारा है, वो एक एक दिन जो तूने अपने बाप के बगैर गुजारे हैं, हम एक एक पल का बदला उससे लेंगे। तुम दोनों, हाँ कमीने, तेरी चाल नाकाम हो गई, दुश्मन दोस्त हो गए। बोल, हमारा असली दुश्मन बलवंत कहाँ है? बलवंत? हाँ, उड़ने वालों, बोल बलवंत, बोल, बोल। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। बलवंत का गद्दारी यानी कि मौत, मैं तड़प तड़प के मरना नहीं चाहता। नहीं नहीं, इसे तो अच्छा है। ये खुदकुशी नहीं, कत्ल है, खून है, साजिश है। कसम ईमानदारी की, हमारी बेईमानी की दुनिया की तरफ कोई तबाही बनकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह हमें बर्बाद कर दे, हम उसे तबाह कर देना चाहते हैं। जाओ, जाकर पता करो कि वो कौन से दांत हैं जो हमारा खून चूसना चाहते हैं, वो कौन से आंखें जो हमारी बर्बादी देखना चाहती है। इसके बाद जो भी माल यहां से जाएगा, तुम लोग खुद लेकर जाना। ये किसकी गाड़ी है? तुम्हारे बाप की। जॉनी, तुम आखिर तुम चाहते क्या हो? बलवंत की बर्बादी। बलवंत? बलवंत साहब को कैसे जानते हो तुम लोग? बहुत पुराना सांप है वो। हम दोनों के खानदान की बर्बादी का जिम्मेदार, और तुम दोनों उसके साथ चलने वाली जहरीली परछाइयां। तुम हम लोगों को मारना चाहते हो? हम वही करना चाहते हैं जो आज से 20 साल पहले बलवंत ने मेरी मां के साथ किया था। गोली तुम चलाओगे, तुम्हारा साथी मरेगा, और खून का इल्जाम तुम पर होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जल्दी करो वरना ट्रिगर दब जाएगा। चला चला चला। जा, अब तू आजाद है, और कह देना बलवंत से कि जिस तरह उसने हमारे खानदान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हम उसकी जिंदगी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और ये भी कह देना कि मेरी भी जिंदा है, और उसके हस्बैंड का लिखेला खत भी, और एडवोकेट वर्मा भी। चल जाओ। इसका मतलब हमारी कमजोरी उनके हाथ लग गई है, अपने बचाव के लिए हमें उनकी कमजोरी अपने हाथ में करना होगा। उनकी कमजोरी है जॉनी, और जॉनी की कमजोरी है उसकी मां मैरी। पुल के नीचे तेरी मां भजिया तले, दादर के पुल के नीचे तेरी मां भजिया तले, मेरा बाप खा के चले हो, मेरा बाप खा के चले हो, मेरा बाप खा के चले हो, दादर के पुल के नीचे तेरी मां भजिया तले, दादर के पुल के नीचे। इकबाल, क्या बकबक कर रहा है तू? चला। वो अमीजन क्या है कि दुनिया में जितनी भी चीजें ना, सबसे ज्यादा बदतमीज चीज ये आयना है। कभी से बंदर के माफिक मेरी नकल कर रहा है, इसके अकल के तो कांधे उड़े ले कसम से। तेरी तो बहुत अच्छी है ना, चल खाना खा ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अमीजान, जिस खाने में तेरी ममता भरी हो, वो खाना ठंडा कैसे हो सकता है? लेखा,
अम्मी आपने खाना खाया? घर इतनी देर से आया और पूछता है खा लिया? माँ हूं ना, जब तक तुझे और जॉनी को खिला ना दूं मैं कैसे खा सकती हूँ बेटे? तेरे आंखों में आंसू क्यों बेटे? अम्मी हमने दुनिया की बहुत मार खाई, मगर जो काम दुनिया की मार नहीं कर पाई वो आपके प्यार ने कर दिखाया। चल खा ले, अच्छा लगा। माँ के हाथ कैसे निवाले तो किस्मत वालों को नसीब होते हैं, ये बात कौन से पूछे जिनकी जिनकी माँ नहीं होती। कौन कहता है तेरी माँ नहीं है? मैं तेरी माँ नहीं हूं, जॉनी तेरा भाई नहीं है। अरे पागल, तुम दोनों ही मेरे बेटे हो, चलो खा लो। क्यों अच्छा नहीं लगा? मुझे मालूम है तुझे बिरयानी अच्छी लगती है ना, मैं कल तेरे लिए बिरयानी बनाऊंगी। नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, अरे खाने में तो इतना मजा है जो जन्नत के मेवे में भी नहीं होगा। अम्मी आज तो मुझे पूरा खाना खिला दे एकदम पेट भर के, पता नहीं जन्नत में भी ऐसा खाना नसीब हो या ना हो। एक थप्पड़ लगाऊंगी, पता नहीं कब कौन सी घड़ी कैसी हो। अरे अम्मी अब कोई घड़ी कोई वक्त की परवाह नहीं, तेरा ढेर सारा प्यार मिल गया, प्यार भरा निवाला मिल गया, अब तो मेरी जान भी चली जाए ना अम्मी तो भी परवाह नहीं। अम्मी तेरे आंचल में खुदा की खुदाई है, तू खुद एक मजहब है, इकबाल की जन्नत तो बस तेरे कदमों तले है। और अपन तेरे जन्नत को ले जाने आए। इस जन्नत को ले जाने से पहले तुझे जहन्नम में जाना होगा। लगी तो नहीं मुझे बचाते बचाते तुझे कुछ हो जाता तो? अरे हो जाता तो क्या होता अम्मी, लोग यही कहते कि तेरा बेटा जिया शान से और मरा शान से। नहीं ना बेटा ना, ये लोग अपन की जन्नत ले जाने आए थे, खुद दोजख में पहुंच गए। अरे अपन के जीते जी अपन की अम्मी को कोई ले जा सकता क्या? हा? बस अम्मी तेरी दुआएं हमारे साथ रहे, फिर तू देखती जा कि तेरे बेटे कहां से कहां जाते हैं। नहीं! अम्मी, तो क्या बात? नहीं बचाओ! ला मोहम्मद रसूल अल्लाह।
क्या हुआ? जॉनी, तुम्हारी माँ को उठाकर वो ले गए हैं, और तुम्हारा भाई इकबाल। जॉनी, कौन? तुम्हारा हमदर्द, अपने भाई इकबाल की मौत का गम मनाते रहोगे तो तुम्हारी मां का क्या? नहीं जॉनी, तुम मुझे मारने की गलती मत करो, वरना तुम्हारी मां, समझे? क्या चाहते हो तुम? एक छोटा सा काम, मुझे सिर्फ गोविंदा का बाप एडवोकेट वर्मा चाहिए, उस खत के साथ जिसमें जेके साहब के मुजरिम होने का सबूत है। इसलिए तुम्हें वो खत और एडवोकेट वर्मा को हम तक पहुंचाना है। नहीं, ये नामुमकिन है। लेकिन तुम्हारी मां की मौत मुमकिन है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मां तुम्हें जिंदा मिले तो फैसला तुम्हें ही करना, मां की बलि या दोस्त की दोस्त। मां की बलि या दोस्त की दोस्ती, मां की बलि, दोस्त की दोस्ती। जॉनी, ये क्या, तू अपनी मां के वास्ते गोविंदा के बाप को उन कमीनों के हवाले कर देगा? तो क्या ये गैर राज चलते की दोस्ती के लिए मैं अपनी मां को कुर्बान कर दूं? दोस्ती को जिंदा रखने के लिए लोगों ने जिंदगियां कुर्बान कर दी हैं। अपुन कोई देवता या महात्मा वात्मा नहीं है, मगर दोस्ती निभाने वाला एक सच्चा दोस्त तो है। 20 साल के बाद अपुन को अपनी मां मिला है, और 20 साल तक अपुन अपनी मां के लिए तड़पता रहा है। मगर गोविंदा को भी तो 20 साल के बाद उसका बाप मिला है। अपुन अपनी मां के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो क्या गोविंदा उसके बाप के बगैर जी सकेगा? वो कैसे जिएगा वो जाने, अपुन कैसे मरेगा? मगर उसका बाप मारा जाएगा। अरे दुनिया मर जाए, दुनिया मर जाए, अपुन का अपनी मां मांगता है मां। मगर hey! कुछ नहीं, अपुन का सिर्फ मां मांगता है। ये दोस्ती, फर्ज, कानून मां के सामने सब बकवास है। अरे ये गोविंदा तो क्या, मां को पाने के वास्ते अपना खत दुनिया को लुढ़का सकता है। यस जेके साहब, जॉनी यहां से निकल चुका है। गुड। हमारा एक शिकार दूसरे शिकार को लेकर शेर के इस पिंजरे में आ रहा है। अब इस पिंजरे से वो नहीं, उसकी आत्मा जाएगी। जानती हो किसकी आत्मा? तुम्हारे बेटे जॉनी की आत्मा। जेके, जीसस क्राइस्ट तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जब भी इस दुनिया में कोई जुल्म होता है, कोई ना कोई मसीहा बनकर जरूर आता है। तुमको खत्म करने के लिए वो कोई ना कोई मसीहा जरूर भेजेगा। जेके, ये रहा गोविंदा का बाप, मां अपुन के हवाले कर दे। और वो खत,
ये रहा वो खत। वेल डन जॉनी, वो खत और एडवोकेट वर्मा को हमारे हवाले कर दो और अपनी मां को ले जाओ। गोविंदा। हाँ गोविंदा, कमीने, मैंने तुझे अपना दोस्त कहा, सोचा कि दोस्ती के लिए मैं अपने खून का एक एक कतरा बहा दूंगा, और एक तू है जो अपनी मां की जिंदगी के लिए मेरे पिताजी की बलि चढ़ाना चाहता है। इससे पहले कि फिर से मेरा हाथ तुझ पर उठ जाए, हट जा मेरे रास्ते से गोविंदा। नहीं जॉनी, तूने ही मुझे इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से अब सिर्फ गोविंदा की लाश हटेगी। देख गोविंदा, 20 साल के बाद अपन को अपनी मां मिला है और उसके वास्ते अपन कुछ भी कर सकता है। तो मैं भी मिट्टी का नहीं बना हुआ हूं जॉनी, अपनी जान दे दूंगा लेकिन अपने पिताजी पर हल्की सी खराश भी नहीं आने दूंगा, समझा? तो फिर लगता है कि दोस्ती के बाद दोस्त का खून करना भी अपन की तकदीर में लिखा है। हट! कसम ईमानदारी की, वक्त की रफ्तार बहुत तेज है और हमारे पास वक्त कम। तुम दोनों में से एक की किस्मत में जिंदगी लिखी है और दूसरे की किस्मत में मौत, और इसका फैसला हम या तुम नहीं, गोलियों से भरी हुई ये रिवॉल्वर करेगी। वेल डन जॉनी, वेल डन। परफेक्ट, बहुत ताली बजाया तुमने, बहुत अपने इशारे पे नचाया, यहां तक के दोस्त का खून भी करवा दिया। अब सीधी तरह से मां को अपने हवाले कर दे, नहीं तो ज्यादा होशियारी नहीं बच्चे, तुम गोली यहां दागोगे और लाश वहां गिरेगी। गोली तुम जरूर चलाओगे मगर जहां हम चाहेंगे। किसी ने ठीक कहा है, मां की ममता और जज्बात भी अजीब चीज है, दोस्त के हाथों दोस्त का खून करा देती है। जॉनी, एक मामूली सा काम और रह गया, एडवोकेट साहब को भी ऊपर भेजना है। हम 5 गिनेंगे, अगर तुम्हारे रिवॉल्वर से गोलियां नहीं चली तो तुम्हारी मां भी गोविंदा की तरह हमेशा के लिए सो जाएगी। गिनो, 1, 2, 3, 4, ये बुलेट प्रूफ है, कसम ईमानदारी की। We'll be right back.
जॉनी बचपन से ही अनाथ हो गया तेरी वजह से। मेरी मां सुहागन होते हुए विधवा हो गई तेरी वजह से। जॉनी का बेकसूर मां 20 साल तक जेल में मरती रही तेरी वजह से। और मेरे बाप को ट्रक के नीचे कुचला गया तेरी वजह से। जॉनी से उसका भाई इकबाल छीन गया तेरी वजह से। मेरी मां को मुझसे छीन लिया गया तेरी वजह से। हमारी जिंदगियां तबाह और बर्बाद हुई तेरी वजह से। और अब तेरी दुनिया में तबाही आएगी हमारी वजह से। गोविंदा बेटे। जॉनी मेरे बच्चे। हम ठीक है मां। जेके को अपने किए की सजा मिल गई। हर शैतान का हश्र यही होता है। चलो इस पाप की दुनिया से निकल चले। चलो बेटे चलिए।